हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ब्लॉग्स में हम आए हैं विष्णु मंदिर। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग्स बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, तो आप भी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज हम अपने गांव से निकल गए हैं। जो ये रोड है, यहाँ से विष्णु मंदिर लगभग 2 किलोमीटर है, जो यहाँ से जो गणपतगंज में स्थित है। तो हम लोग यहाँ से अपना साइकिल से निकल गए हैं। हम दो फ्रेंड्स हैं, जिसमें अशोक हैं और मेरा नाम मनोज है। तो हम दो फ्रेंड्स निकले हैं साइकिल से, जिसमें अशोक साइकिल चला रहे हैं और हम पीछे में बैठे हुए हैं। तो ये है हमारे खेत, हमारे गांव के रोड साइड में खेत वगैरह हैं, जिसमें धान कटाई हो रहा है। कितना हरियाली दिखाई दे रहा है, बहुत ही मज़ेदार सीन है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये खेतों का सीन है। और ये गमरिया वाला रोड है, जो 4 लाइन में वहाँ पे पिपरा खुर्दे मिलता है। और यहाँ से और इधर एक NH 106 में मिलती हैं, जो विष्णु मंदिर की भी अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से 2 रोड निकलती हैं। यहाँ एक रोड रामपुर की ओर जाती हैं, लेफ्ट वाला, और राइट वाला जाती हैं NH 106 पे मिल जाती हैं, जहाँ से आप राघोपुर भी जा सकते हैं और विष्णु मंदिर भी जा सकते हैं वहाँ से। ये बहुत गरीब हैं, वो जो है एक छोटी सी मंदिर है बजरंगबली का, वही है NH 106। यहाँ देखिए, इस पर बहुत अभी रोड ख़राब है, रोड बन ही रही है। तो आप चलिए, हम इसका भी दिखाएंगे किस तरह से ये रोड है। दोनों साइड अब बढ़ भी रही है, और ये थोड़ा सा पहले रोड था 2 लाइन, अब ये 4 लाइन बनेगी। देखिए, बहुत धूरा उड़ता है, धूल वगैरह से डस्ट। तो देखिए, कुछ इस तरह से रोड है इसका। और ये साइड में वगैरह से दुकान वगैरह सब अभी बन रही हैं पूरी तरह से। और ये रोड का हाल है, पूरा धूल पूरा उड़ रही है। अब देखिए किस तरह से ये रोड बना हुआ है। इस साइड भी मिट्टी भर दिया हुआ है और उस साइड भी। तो कुछ इस तरह से रोड है, जो पूरा टूटा पड़ा हुआ है। और ये कॉलेज है, KN इंटर कॉलेज, जो साइड में ही है। इसका ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। और उसके साइड में ये रोड सब है, जो बहुत अभी ख़राब हो गया। देखिए, एक ट्रक वाला भाई सब आ रहे हैं, किस तरह से धूल उड़ाते आ रहे हैं भाई साहब। इसको पता नहीं क्यों आज जल्दी ना रोड, यार एक लाइक जरूर कर देना यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये धूल उड़ा रहा है ये भाई साहब। हाँ, बढ़िया साहब। देखिए किस तरह से ये मार रहे हैं, थोड़ा सा क्या। और उसके साइड में ये है, कुछ इस तरह से है जो रोड अब बनेगा, कब बनेगा पता नहीं, लेकिन बन रहा है धीरे धीरे। और या ये चकला नाम का एक गांव है, जो इस रोड से आप जा सकते हैं। तो ये चकला ही है, जो ये रोड से जा सकते हैं। उसके बाद आप जस्ट थोड़ी ही देर में हम लोग विष्णु मंदिर में होंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो हम सिंपली आ ही गए हैं ये। उसके बाद ये स्कूल है 8 क्लास तक, जिसमें हम भी पढ़ाई किए हैं हम लोग सब। तो ये स्कूल हैं कुछ इस तरह से, इसका आजकल पेंट ज़्यादा हो गया है इसमें। देखिए किस तरह से ये स्कूल है, इसका नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानिकचंद चकला, जो हम पढ़ाई किए हुए हैं इस स्कूल से। ये रहा स्कूल,
कुछ इस तरह से पास का पूरा पेंट कर सकते। तो गाइज अब हम लोग विष्णु मंदिर आ चुके हैं, तो देखिए कुछ बाहर से इस तरह से दिखते हैं, तो चलिए इस अंदर जाते हैं और किस तरह से दिखते हैं। सबसे पहले आपको चप्पल वगैरह से रखना पड़ेगा, तो चलिए सिंपली चप्पल वगैरह साइकिल पार्किंग के लिए भी जगह है, तो आप साइड में आगे में ही हैं तो पार्क कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से देखने में लगता है, वो सामने में भी एक मंदिर है, उसमें जी भगवान वगैरह भगवान भी हैं, और वो पार्क है, पार्क आप गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं उस साइड में। और उसके बाद अब चप्पल रखने जाएंगे, तो चलिए सिंपली चप्पल रखते हैं, तो चप्पल रखने के लिए भी आपको 2 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ से शुल्क प्रति जोड़ा 2 रुपये है। उसके बाद आप चाय टी कॉफ़ी जो लेमन टी है सब चीज़ पी सकते हैं यहाँ से, उसके लिए आपको पे करना होता है। तो और कुछ इस तरह से हैं बाहर से, वो पार्किंग है जो गाड़ी पार्क कर सकते हैं आप। और चलिए अब हम लोग अंदर चलेंगे, तो सिंपली ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये एक मेन गेट है जिसे अंदर एंट्री वहाँ करते हैं। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं, तो अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है बाहर से उसका मंदिर का तस्वीर। तो देखिए कुछ इस तरह से हैं, बीच में इस तरह से हैं, इसका फूल वगैरह सा लगा हुआ है, जिसमें 2 गणेश हाथी हैं, गजानन गजराज जो बोलिए आप, ये हाथी है जो दोनों, और ये 2 शेर हैं जो सीढ़ियाँ पे लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ 4 हैं, 2 इस साइड से और 2 उस साइड से जाने के लिए। तो देखिए वो भी सीढ़ियाँ हैं, और उधर भी मंदिर हैं आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ा पूरा दिखाएंगे। और पैक से कुछ इस तरह से दिखाई देता है गेट, और वो ये हाथी है और उसके बीच में एक खंभा टाइप का है, और कुछ इस तरह से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो चलिए हम अब ऊपर जाने के लिए, आपको अंदर में फ़ोटो वगैरह से नहीं खींच सकते हैं इसीलिए हम बाहर में खींच लेते हैं, और उसके बाद अंदर जाने के लिए आपको मोबाइल बंद करना पड़ता है, तो यहाँ पे अंदर में फ़ोटो नहीं खींचना देता है। चलिए अंदर चलेंगे, देखिए बाहर से कुछ इस तरह से हैं, तो कुछ इस तरह से हैं। अब हम लोग जाएंगे और लेफ्ट साइड, तो चलिए लेफ्ट साइड से ये मंदिर है, उसके बाद लेफ्ट साइड से कुछ इस तरह से दृश्य हैं। और ये रहा मंदिर, देखिए किस तरह से हैं, और लेफ्ट साइड में मतलब बहुत अमरूद वगैरह से पहले था पताने, अब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कट दिया है गाछी वगैरह सब, अभी जंगल झाड़ लग गया है लॉकडाउन के बाद, कुछ इस तरह से हो गया है मंदिर का बुरा हाल पूरा, यह सब झाड़ी वगैरह से हैं। ये भगवान है गणेश मतलब विष्णु जी, ये कौन कौन है 3 पता नहीं, ये केला वगैरह से लगा हुआ है, ये पूरा जंगल हो गया है। देखिए ये अशोक भाई है पूरा मारे आगे आगे उसके बाद ये देखिए, उसके बाद वहाँ पे वो जो है बड़ा मकान मतलब होल टाइप का वो है उस पर, और दिखाएंगे आपको वो पे, वहाँ पे जो है हवन वगैरह से होता है, इस होकर जाना पड़ता है उसके लिए। तो पहले मेला जो वगैरह से लगते हैं, तो यहाँ पे ये है कुआं जिसको इनार बोलते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरह से पानी पूरा गंदा है देखिए। और तो चलिए देखिए पूरा जंगल लग गया है, और ये है ये यहाँ पे आप हवन वगैरह से कर सकते थे पहले, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। और ये रहा भगवान विष्णु जो शेषनाग पे सोए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी हैं 2 हाथी जो फुटबॉल खेल रहे हैं, पता नहीं इसको कितना फुटबॉल से खेलने का शौक़ है। और ये पूरा जंगल लग गया है, और ये देखिए ये पूरा मंदिर बंद पड़ा है, क्या यार तस्वीर है। और यहाँ से ये है केला बागान जो केला लगा हुआ है, केला अभी है नहीं लेकिन केला लगता है, बहुत अच्छा अच्छा केला सब है। और ये रहा कुछ इस तरह से फूल वगैरह से हैं, ये घंटा है जो भोग लगाने के समय इसमें बजाया जाता है, और कुछ इस तरह से फूल लगल है। चलिए पीछे देखते हैं क्या है, तो ये केला बाड़ी है, और पीछे कुछ इस तरह से हैं फूल वगैरह से पूरा लगल है। और ये रहा ये पूरा जंगल है, जंगल झाड़ उधर है,
देखिए कुछ इस तरह से हैं। तो ये घंटा है और अब हम लोग आ गए, फिर उधर जाएंगे, इस साइड से निकलेंगे तो कुछ इस तरह से हैं। वो भगवान विष्णु है जो ठहरा है, और ये हवन कुंड है जहाँ हवन होता है, और कुछ इस तरह से हैं। चलिए और इस साइड जाते हैं। तो क्या क्या है इस साइड? इस साइड का देश कुछ इस तरह से है। ये रहा भगवान कौन भगवान है, देखिए। उसके बाद कुछ इस तरह से, और कुछ ये मंदिर है, ये भी ऊपर में भी है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब रक्षाबंधन वगैरह समय पूजा लगता है, मेला लगता है, तो यहीं पे कन्हैया को झुलाया जाता है, पता नहीं यहीं पे झुलाते हैं। और उसके बाद कुछ इस तरह से है, इसका पंडाल वगैरह से बना है, जो कुछ ये है पंडाल। और देख लीजिए अंदर चलते हैं, ये पंडाल रहा, यहाँ पे बैठते हैं लोग सब वगैरह से। उसके बाद ये भी, यहाँ भी हाथी है, हाथी का बच्चा है सॉरी। और ये हैं भगवान विष्णु जो सुतल हैं कितना दिन से पता नहीं। उसके बाद ये रहा मंदिर का बाहर का नज़ारा, और ये कुछ इस तरह से हैं। और बाहर हम लोग अब बाहर निकलेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हैं। यहाँ भी शेर है। हम अब गेट पे आ गए हैं हम लोग, तो कुछ इस तरह से इसका दृश्य है। यहाँ भी एक छोटा सा पंडाल है, ये भी हाथी का बच्चा ही है। तो ये रहा पंडाल वगैरह है, भगवान को यहाँ पे घुमा के लगते हैं तो यहीं रखते हैं। तो ये रहा अब इस साइड से अंदर जाने के लिए, यहाँ भी दो रास्ता है, कुछ यहाँ इधर से भी और इधर से भी। यहाँ पे शेर खां सा ठहरा है या बैठा है पता नहीं। और ये रहा यहाँ पे शेर खां पे भी फूक रहा है, और भगवान एक साइड से हैं, बाहर नजर कुछ इस तरह से हैं। तो आप देख सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग सभी बाहर निकलेंगे, तो चलिए हम लोग अब बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।